हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक हैगा वो हैगा वुडन जॉइंट्स से। ठीक है, तो मैं आज थोड़ा इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेमेस्टर सेकंड का फर्स्ट चैप्टर जड़ा कि वुडन जॉइंट्स से है, वो मैं आज थोन टॉपिक करवान लगे। ठीक है जी, तो चलो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक। सब तो पहला अपना कि अपने ये देखना की है, ये मेन गोल्स जोड़े है अपने, वट इज़ दी डिटेल ड्रॉइंग, डिटेल ड्रॉइंग बारे आप स्टडी करेंगे। सैकेंड इज़ दी असैम्बली ड्रॉइंग, असैम्बली ड्रॉइंग की होंगी है। नैक्सट वेरियस वुडन जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स आप बारे स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुडन जॉइंट्स जोड़े यूज होंगे ने एंड देयर टाइप्स। ठीक है, तो हाउ टू ड्रॉ द असैम्बली एंड डिटेल ऑर्थोग्राफिक व्यूज थ्रू वेरियस वुडन जॉइंट्स, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुडन जॉइंट्स के ऑर्थोग्राफिक व्यूज नू भी ड्रॉ करना सीखांगे। ठीक है जी, लेट स्टार्ट विद दी व्हाट इज दी डिटेल ड्रॉइंग। डिटेल ड्रॉइंग की है, ठीक है, उहदे विच डिटेल ड्रॉइंग दे विच की है, द ड्रॉइंग दी ड्रॉइंग विच डिस्क्राइब्स दी सेवरल पार्ट्स ऑफ एन असेंबल्ड डिवाइस इंडिविजुअली इज नोन एज दी डिटेल ड्रॉइंग। फॉर एग्जाम्पल, जिवें एक पेन दिता होया, जे आपां इंडिविजुअली आपां डिसअसैम्बल करके उहदे पार्ट्स की ड्रॉइंग बना दिए तां आपां उसनूं डिटेल ड्रॉइंग कह दिंदे आ। ठीक है जी, नैक्सट आ गया अपने कोल, वट इज़ दी असैम्बली ड्रॉइंग। असैम्बली ड्रॉइंग की होंदी है, ड्रॉइंग विच इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर दी असैम्बलिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी ऑब्जेक्ट इज नोन एज दी असैम्बली ड्रॉइंग एंड इट इज़ दी वाइस वर्सा ऑफ डिटेल ड्रॉइंग। ठीक है, उहदे विच आपां डिसअसैम्बल करते हैं, तो जिहड़े असैम्बली ड्रॉइंग दे विच है इसनूं आपां असैम्बल कर दिंदे हैं। ठीक है जी, डिटेल ड्रॉइंग दा इह वाइस वर्सा आ जांदा है असैम्बली ड्रॉइंग, तो उस दे विच की सीगा असैम्बली ड्रॉइंग दे विच एक पेन असैम्बल्ड है तो आपां उहनूं डिसअसैम्बल करता उसकी असैम्बली ड्रॉइंग कर देंगे। ठीक है जी, नैक्सट वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुडन जॉइंट्स। हूँ वुडन जॉइंट्स बारे आप देखांगे, द जॉइंट्स विच आर यूज टू जॉइन टू और मोर वुडन मैंबरस, मतलब टू और मोर वुडन मैंबरस नूं आपां जद जॉइन करते हैं तो आपां उसनूं वुडन जॉइंट्स कह दें। ठीक है, वुडन जॉइंट्स के विच आपां फॉर एग्जाम्पल दीज आर दी दिस इज़ दी एग्जाम्पल ऑफ एन वुडन जॉइंट। ठीक है, आ फस्ट जिमें मैंबर ए है तो आ मैंबर बी है, दोनों मैंबरस नूं आपां जॉइन किया होया। ठीक है, एडवांटेजिस की है वुडन जॉइंट्स दे, की एडवांटेजिस होंदे है, एक इफ गिव स्ट्रेंथ, लॉन्ग लास्टिंग होंदे ने, डेकोरेटिव लगते ने, ते रेजिस्ट फोर्सिस वैल। नैक्सट अपने डिसएडवांटेजिस की है, इहदे विच टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, रिक्वायर्ड स्किल्स, डिफिकल्टी टू मेक एंड स्पैशल टूल्स नीडिड, मतलब ये जे कुछ एडवांटेजिस ने तो यदिया डिसएडवांटेजिस भी है ने। एक तो एक टाइम कंज्यूमिंग है, डेकोरेटिव जरूर लगते हैं पर टाइम कंज्यूमिंग भी है, रिक्वायर मोर स्किल्स एज कंपेयर टू अ द परसन विदाउट स्किल्स डू नॉट परफॉर्म डू नॉट मेक दीज जॉइंट्स एंड नीड स्पैशल टूल्स विच आर वेरी कॉस्टली फॉर इन वुडन वर्किंग वुडन वर्किंग वर्क। नैक्सट आ गया अपना टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सब तो पहला आप बट जॉइंट का करेंगे कि बट जॉइंट की होंगे। ठीक है, दिस इज़ दी टाइप ऑफ बट जॉइंट, दिस इज़ दी मैंबर ए, दिस इज मैंबर ए, दिस इज मैंबर बी एंड विद द हेल्प ऑफ नेल्स वी कैन जॉइंट दिस, दिस इज नोन एज दी बट जॉइंट, दिस इज रिबेटेड बट जॉइंट, इन दिस वी मेक अ स्पेस हेयर एंड put this member wooden member A here and joints with the help of the nails। उस तो बाद इहदे कुछ अपने की कुछ information है बट joint बारे, जिवें कि simple joints ने need nails or screws or rivet will give strength greater glue area, मतलब जड़ा strengthen joint है ते ज़्यादा एरिया है फॉर दी ग्लू फॉर फिटिंग परपसेस। नेक्स्ट आ गया अपने कोल वुडन जॉइंट्स विद जॉइनिंग बोर्ड्स। ठीक है, तो अपने कोल इहदे विच की दिता है, इहदे विच सिंपल एज जॉइंट्स यूज फॉर मेकिंग
वाइट बोर्ड्स कैन बी स्ट्रेंथन्ड यूजिंग टोंग्स बोर्ड्स अरेंज्ड विद अल्टरनेटिव एंड ग्रीन टू प्रिवेंट रैपिंग। रैपिंग की होती है मतलब किसी चीज़ नू रैप मीन्स उसनू रैपिंग तो बचाना। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया अपने कोल एज ज्वाइंट्स। एज ज्वाइंट्स दे विच आ गया अपने कोल बट बोर्ड्स बट ज्वाइंट विद द ग्लू दिस इज द टोंग एंड ग्रूव ज्वाइंट सी दिस हेयर टू मेंबर्स ए एंड बी आर ज्वाइंट। ठीक है। दिस इज द मेक वी कैन मेक दिस टाइप ऑफ कैविटी हेयर एंड पुट दिस मेंबर बी इंटू मेंबर ए एंड ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ टोंग और ग्रूव ज्वाइंट। दिस इज ऑल्सो लूज टोंग और सप्लाइन ज्वाइंट। वी कैन मेक द कैविटी हेयर एंड पुट दिस वुडन स्ट्रिप इन साइड दिस एंड ज्वाइंट द टू मैंबर्स। ठीक है। दैन ये आप लिख लेंगे सिंपल ज्वाइंट्स है ज्वाइन नैरो बोर्ड्स टूगैदर टू मेक अ वाइडर बोर्ड। मतलब छोटे छोटे बोर्ड्स नूं आपां ज्वाइन कर सकते हैं कि उसनों एक वाइडर बोर्ड बना सकीए। स्ट्रेंथन विद टोंग और ग्रूव्स लूज टोंग्स और बिस्किट ज्वाइंट्स। नेक्स्ट आ गया अपने कोल हाविंग ज्वाइंट्स। उसदे विच की आ क्रॉस हाविंग ज्वाइंट मेक दिस कैविटी हेयर एंड पुट दिस कैविटी एंड ज्वाइंट पुट दिस मैंबर ए इंटू दी बी एंड वी कैन ज्वाइंट दिस एंड दिस इज दी कॉर्नर हाविंग ज्वाइंट्स। ठीक है। इतों आप इस तो भी मतलब एक कैविटी जी कट कर ली मटीरियल नू रिमूव करता तो इधरों भी मटीरियल नू रिमूव करता तो जोनों विद द हेल्प ऑफ ग्लू और नेल्स वी कैन ज्वाइंट दिस टू ज्वाइंट्स। दिस इज दी टी हाविंग ज्वाइंट। नेक्स्ट इज दी टॉवल टेल हाविंग ज्वाइंट मेक दिस टाइप ऑफ टेल एंड रिमूव द मटीरियल फ्रॉम दिस एंड फिट दिस डबल टेल इन टू दिस कैविटी। नेक्स्ट इज द टू हाफ्स ऑफ द ज्वाइंट्स मेक अप द फुल थिकनेस। मतलब जेडे दो ज्वाइंट्स टू हाफ्स ऑफ द ज्वाइंट मेक अप द फुल थिकनेस। मतलब जब आप इनू पूरा ज्वाइन कर देंगे तो एक फुल थिकनेस बना दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट यूज वेयर इट इज यूज इट इज यूज इन फ्रेम्स और रेल्स। नेक्स्ट इज द हाउसिंग ज्वाइंट्स। हाउसिंग ज्वाइंट्स के आप यूजिस देखेंगे। हाउसिंग ज्वाइंट्स के शेल्फ यूनिट्स डिवाइडर फॉर बॉक्सिस आप जिमें किचन वगैरह के काम कराने वुडन वर्क दैन तो आप शेल्व्स वगैरह पाने तो विद द हेल्प ऑफ दीज वुडन ज्वाइंट्स वी कैन ईजीली मेक दीज ज्वाइंट्स। दिस इज द हाउसिंग ज्वाइंट। दिस इज द कैविटी हेयर कट दिस कैविटी एंड पुट दिस बोर्ड दिस इज मैंबर ए एंड दिस इज मैंबर बी एंड इंसर्ट दिस मैंबर ए इन टू दिस कैविटी एंड ज्वाइंट दिस। ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट विल बी अपीयर्ड लाइक दिस। ओके। देन दिस इज द स्टॉप्ड हाउसिंग ज्वाइंट एंड दिस इज अपीयर्ड लाइक दिस। दिस इज द डबल टेल हाउसिंग ज्वाइंट्स दिस इज इजीली फिटेड विद दिस वी कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ कैविटी हेयर एंड पुट दिस बोर्ड इन साइड दिस एंड असेंबल्ड दिस टू ज्वाइंट्स। ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग दिस वी कैन सी लाइक दिस एंड टोंग एंड ग्रूव्ड ज्वाइंट्स। दिस इज द टोंग एंड ग्रूव ज्वाइंट्स यूज फॉर कॉर्नर ऑफ ड्रॉअर्स। नेक्स्ट यूजिस ब्रिंडल ज्वाइंट। ब्रिंडल ज्वाइंट्स दे यूजिस डोर्स मेकिंग टेबल्स एंड मेकिंग चेयर्स। दिस इज टाइप ऑफ ब्रिंडल ज्वाइंट्स वी कैन फाइंड आउट इन अवर होम्स इन द चेयर्स और टेबल्स। ठीक है। दिस इज द टी ब्रिंडल ज्वाइंट्स मेक दिस आई शेप एंड मेक दिस यू टाइप कैविटी एंड इंसर्ट दिस मेंबर ए इनटू द मेंबर बी एंड द ज्वाइंट इज लाइक अपीयर लाइक दिस। ओके। देन दिस इज द कॉर्नर ब्रिंडल ज्वाइंट एंड मेक अ टी लाइक दिस एंड इंसर्ट इन दिस यू कैविटी एंड कॉर्नर ब्रिंडल ज्वाइंट इज
appear like this. Okay, used in frames also. More brindle joints or different types of brindle joints are here. Dovetail brindle joint, make this dovetail and insert into this similar type of cavity which is similar to the dovetail, and it's appeared like this after joining the two wooden members A and B. Okay, this is the meter brindle joints. Okay, this joints we can easily see in our photo frames also, and in our Almira cupboards, outer frame of the cupboards, we can see these types of meter brindle joints. Okay, then what are their uses? It's used in frames, doors, making tables, and in making chairs. After this, finger joint. This is the finger joint. This type of finger joints in which two fingers just insert like this. This is the finger joint. Okay, this is the when two fingers, we can put these two fingers inside like this, and this type of joint is known as the finger joint. This is the finger joint. Okay, after disassemble, two members seen like this. This is wooden A and this is member B. Okay, after disassemble, this is the assembled and this is the disassembly of the wooden joint. What are their uses? It's used in advantages. This is the large glue area. We have the large glue area for the better strength of the joint. This is common joint and odd number of fingers are used, and their uses is joining corner of the frames and boxes, and it is widely used in the cabinet construction. Next is the mortise or tenon joint. In tenon joints, this is the tenon and this is the cavity, which is the cavity is known as the mortise. And what are their advantages? This is widely used. Large groove area gives the better strength to the joint. A number of different types of joints are used. And what are their uses? This is used in frames, widely used in doors and tables, and in making chairs. This is the mortise and tenon joint. This is the mortise, and bar faced tenon has only one shoulder like this, and insert this into this. This type, after assembled these joints, this is appeared like this. After this mortise and tenon joints, stopped mortise and tenon joints. This is the tenon is hidden in the mortise. The tenon is put inside into this mortise. This is the stop mortise and tenon joint. We do not make the mortise through hole. So we have some distance inside which we cut the cavity of the mortise and in which tenon is put inside to get assembled with the other member. This is the wedge mortise. This is widely used in the doors like this. Okay, this is the wedge saw cuts, and this is the wedges. Wedges is like, this is like wedge to give proper fitting to the between two parts. This is the mortise and tenon joints. This is the twin mortise and tenon joint. This is the twin mortise and tenon joint. Here, this mortise is through hole. This part is attached like this, and
this. After fitting, the tenon is appear here. Okay, this is the tenon, and this is tenon, two tenon, twin tenon, greater glue area, and a stronger joint used when a wide tenon could become loose with the shrinkage. Next is the, this is the other tenon mortise and tenon joint. Okay, this is widely used in the doors. Dovetail, this is the dovetail joint. Okay, this is not a this is just like dovetail. I already explained you the structure. Dovetail, this is the dovetail. Okay, and this is a strong joint, looks attractive. Dovetail tightens when pulling force is applied. Okay, and used in drawers where large force is required to pull the drawer. Okay, then this is the slope of the dovetail. For softwood it is 1:6 and for hardwood it is 1:8. Slope of the dovetail joints, we have already discussed this. For softwood it is 1:6 and for hardwood it is 1:8. And this is the dovetail. This is the this is 1:6, this part is 6. Okay, this is 6 parts and this part is just like 1. So softwood for 1:6 and for hardwood it's 1:8. Here it's changed 1:8. Okay, this is this like this for hardwood. Next is the dovetail. Single through dovetail joint used in corner of the boxes where rail meets legs. T dovetail halving joints. This is the T joint plus dovetail joint. Okay. And what is their uses? Uses is box carcasses and drawer carcasses. And lapped dovetail joints. Okay, this is the lapped dovetail joints, and used where strength is needed, but the front and grain of the tail has to be hidden. Drawer fronts. Okay, this is the screws. Screws, what are the uses of the screws? Screws are used to hold a joint together. First a pilot hole is drilled and then countersunk. This type of we can insert a screw inside the wooden hole. This is the bore, a hole to take the shank of the screw. A bore, a smaller hole, then the thread of the screw. This is the thread, this is for the thread part, and this is the shank. And then countersunk for placing the cap of the screw over the wooden member and insert the screw like this. Okay, then screws and plugs. Screws is hidden with a round plug. These are the, this is the used. We can drill for screw. First of all we have to drill the screw, create a hole, then drill for plug. Drill with the help of plug. We have to remove this plug. Cut the plug with plug cutting bit from waste timber and remaining type timber. When the screw has been put in, then the plug is glued and inserted into the hole. The plug is sanded smooth flush with the surrounding surface. When we assemble, this is the member A, this is member B. When we joined the two members of wooden members with the help of screw, after this
if we don't want to see the screw in the assembly, so we have to put a plug over it and level this plug with the with this member A with the help of emery paper. Okay, we can make it level with the emery paper here. That is joint block. This is the joint block. Allow pieces to be taken apart, not very strong or attractive. Okay, this is the screw, this is the wooden member. Three wooden members we have to join. Wooden blocks can also made to the same thing. This is the knockdown fitting. Knockdown fitting. Meter joint. A simple form of joint. Deck can be strengthened with the loose tongs, biscuits or dowels. This is the meter joint. And we have to join like this two members of the wooden joint. This is the loose tongs. Okay, meter joint with the loose tongs, and we have to assemble this into this cavity. Double joint used in place of mortised and tenon joint. Dowel is a wooden cylinder. A doweling jig is used. This is the doweling jig. This is the jig for placing the dowel, and these are the dowels. Round piece of particular dia we have insert into this circular cavity, so to join these two wooden members. Example, this is the table. If we have to make a table, okay, then this is the right R. This is the member R and this is the member L. We have joined this with the help of R. Rail can be joined to leg using a mortise and tenon joint. With the help of mortise or tenon joint, we can joined this two legs with a single frame of a wooden frame. And example two, describe a suitable method of joining side A to shelf case B. This is the shelf, this is case, this is the sides. Okay, we can make this insert this into this cavity of member A with S and base B to side with the side fingers. This is the fingers, finger joint. With the help of finger joint, we can join two wooden members A and B, and to place a shelf. If we want to make a shelf inside this case, then we have joined this with the help of housing joint. Okay, what are the wooden joints? The joints which are used to join two or more wooden members is known as the wooden joints. Matlab do to ek to do wooden members nu je apa join kariye ta apa unna nu wooden joints kehne hai. Theek hai, this is the brindle joint, I already explained you. This is the mortise and tenon joint. Okay, this is the halving joint. Then in T halving joint, here we have the problem. This shows the pictorial drawing of a T halving joint and assembles the parts together and draw the following assembly orthographic views: front view, top view and left side view. ठीक है, अपन होने दर की है, अपने को ला दो पार्ट्स ने जिमें या A है थे या B है. ठीक है, दो मेंबर्स देते हुए ने अपन इन्हें नू पहला असेंबल कराएंगे, फिर अपन इन्हें दिया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस नू ओदे विचो अपन फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ते लेफ्ट साइड व्यू नू क्रिएट कराएंगे. ठीक है, अपन इस तरह इन्हें असेंबल कर लिया पहले. ठीक है, ते उस तो बाद असेंबल्ड पार्ट अपने को आ गया.
आ मेंबर टू है, आ मेंबर वन है। हूँ आप इस अपने को जिमें फस्ट समेस्टर के पढ़िया सीगा वर्टिकल प्लेन है, दिस इज द ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। वी हैव प्लेस्ड दिस असेंबल्ड पार्ट इन टू द फस्ट एंगल प्रोजैक्शन, फस्ट क्वाड्रेंट के प्लेस कर लिया। ठीक है, हूँ आप फ्रंट व्यू जो ड्रॉ करना आप किधरों देखा इसनों आ फ्रंट फ्रॉम वर्टिकल फ्रंट व्यू वी हैव टू सी सी दिस पार्ट फ्रॉम हेयर एंड वी हैव टू ड्रॉ द प्रोजैक्शंस एंड ड्रॉ द प्रोजैक्शंस लाइक दिस। दिस दीज आर द प्रोजैक्शंस, ये आप प्रोजैक्शंस पै जाएंगे ये उत्ते। ठीक है, आप प्रोजैक्शंस आ गए ते इस अगे व्यू दे विच थोनूं मैं प्रोजैक्शंस लाइन नाल ड्रॉ किया ते मेरी जड़ी वर्टिकल प्लेन दी वॉल सी ओदे उत्ते प्रोजैक्शंस मैं डाल दिया ता ओदे ओदे उत्ते मैनू एक तां ए मैंबर ए दी प्रोजैक्शन आ गई मैंबर टू ते एक मैंबर एम वन दी प्रोजैक्शन आ गई ते अपने कोल फ्रंट व्यू इहदा रेडी हो गया। ये अपने कोल इत्थे जड़ी आ डॉटेड लाइन है ये हिडन लाइन आ क्योंकि आ जड़ी की है ये पिछे आ जानी है तो इसलिए अपन ये लाइन दिखनी नहीं, इनू अपन हिडन दे विच शो करांगे। जो आप टॉप व्यू देखना तो आप उपरों देखना तो यदि प्रोजैक्शनस की है सारिया नीचे जाएगी बिल्कुल नीचे चले गई हैं प्रोजैक्शनस। ठीक है, हूँ आप थले व्यू बनावे तो अपने को जोड़ा उपरों जब उपरों देख रहे हैं तो अपने को नीचे ये व्यू जड़ा की है टॉप व्यू बन गया। ठीक है, तो अपने को जो आप साइड लैफ्ट साइड व्यू बना है तो आप इधरों देखा तो यदिया प्रोजैक्शनस कितने जाएगी ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पर जाएगी तो जो आप इधर प्रोजैक्शनस डालिए तो अपने को व्यू भी तैयार हो गया। ठीक है जी, जो आप व्यू तैयार कर ले तो आप हूँ इन्हों 90 डिग्री से रोटेट करके आप जो प्लेनस ने वो वॉल्स में खोल देंगे। तो सब तो पहला आप लैफ्ट साइड व्यू खोलिया तो उस तो बाद आप नीचे लैके गए तो अपने को टॉप व्यू भी आ गया तो जड़ा यह की है अपने को फस्ट एंगल प्रोजैक्शनस के इस दिया प्रोजैक्शनस लाइन ड्रॉ की ये प्रोजैक्शनस लाइनस ड्रॉ की। ठीक है जी, इधरों भी आप प्रोजैक्शनस लाइन आदि नीचे आ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, अगले व्यू के मैं शो करती हाँ प्रोजैक्शनस लाइनस आ गई। ठीक है, तो नैक्सट अपने को जो आप पूरा 45 डिग्री से एंगल लगा के आप प्रोजैक्शनस इधर भी ले लेंगे तो इधर भी लगा के आप एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजैक्शनस ड्रॉ करता यूजिंग फस्ट एंगल प्रोजैक्शन। ठीक है जी, तो यदा अपना जरा रियल लाइफ के मतलब जड़े जॉइंट्स कितने होंगे है फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ द टी हाविंग जॉइंट एंड आफ्टर असेंबली असेंबल्ड दीज टू जॉइंट्स इट्स वुड इट लुक लाइक दिस। ओके, दिस इज द मेंबर ए, दिस इज मेंबर बी, आफ्टर जॉइनिंग दिस दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, नेक्स्ट इज द मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट। आप मोर्टाइज टेनन जॉइंट का विच हूँ आप एक एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, प्रॉब्लम्स वो आप दिता हुआ शोज द डिटेल पिक्टोरियल व्यू ऑफ मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट असेंबल द पार्ट्स टूगैदर यूजिंग थर्ड एंगल मैथड ऑफ प्रोजैक्शन ड्रॉ इट्स फॉलोइंग असेंबली ऑर्थोग्राफिक व्यूज दैट इज फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, टॉप व्यू ड्रॉ करना है, राइट साइड व्यू ड्रॉ करना है। ठीक है जी, अपने को मोर्टाइज से टेनन जॉइंट है थोनू पता है अपने को टेनन जॉइंट है जरा। ठीक है, जिदे अगे आ मतलब टी टाइप शेप होगा और टेनन जॉइंट होगा जिदे विच कैविटी कट की होगी वह मोर्टाइज होगा। ठीक है जी, तो सब तो पहला आप दोनों जी मैंबर ए तो मैंबर बी दोनों वुडन जॉइंट्स जॉइन कर लिया असेंबल्ड करता। नैक्सट इनू आप असेंबल्ड दिस लुक लाइक दिस। आफ्टर दिस वी हैव टू प्लेसड इन थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड एंगल प्रोजैक्शन। ठीक है, तो थर्ड एंगल प्रोजैक्शन के फॉर वर्टिकल प्लेन वी हैव सीन फ्रॉम दिस एंड दिस प्रोजैक्शनस लाइक दिस। यदि प्रोजैक्शनस आ वर्टिकल प्लेन पर पी हैं। ठीक
ठीक है, वर्टिकल प्लेन ते पई है, तां आपां इत्थे की है जिहड़ा अपना वर्टिकल जिहड़ा अपना फ्रंट व्यू तैयार हो गया। ठीक है, इहदे विच की है जिहड़ियां हुण आ बिल्कुल इहदे विच चले गया, तां आपां उहनूं हिडन लाइनस दे नाल शो करता वुडन मैंबरस नूं। ठीक है, आफ्टर दिस दिस इज द फ्रंट व्यू। फॉर टॉप व्यू वी हैव टू सीन फ्रॉम द टॉप हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वी हैव सीन फ्रॉम दिस एंड द प्रोजेक्शंस ओवर, इतने प्रोजेक्शंस पई हैं। ठीक है, प्रोजेक्शंस पई हैं, तो अपना टॉप व्यू तैयार हो गया। ठीक है, अपने को टॉप व्यू बन गया। ठीक है, जिमें आ थर्ड एंगल आ फस्ट एंगल हो गया सी, फस्ट क्वाड्रेंट आ सैकेंड क्वाड्रेंट हो गया, तो थोड़े को थर्ड क्वाड्रेंट हो गया एंड आ फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, आप हमेशा की है फस्ट तो थर्ड का ही यूज करते हैं, ये मैं थोड़ा ऑलरेडी फस्ट पिछले लैक्चर्स के विच एक्सप्लेन कर चुका। ठीक है जी, तो इतों अपना हूँ साइड व्यू फॉर राइट हैंड साइड व्यू, तो आप जो इधरों देखा तो यदियाँ प्रोजेक्शनस आ गई इधर न। ठीक है, अपना राइट हैंड साइड व्यू बन गया, ये आप पार्ट विजिबल आ, बाकी जरा पिछे नहीं देख रहा तो आप हिडन लाइन के नाल शो करता। These are the hidden lines. We have shown it with the hidden lines. And these are the views. After this, we have to open these planes at 90 degree in clockwise direction. ठीक है जी, आप clockwise direction से विच जब आप 90 degree ते rotate करके खोलिया तो आपने बोल जेडे views हैं वो create। ठीक है, जिवें हुण आपां इह मैं तुहानूं दसदा कि जिहड़ा फस्ट एंगल प्रोजेक्शनस दे विच हुंदा वा, जिहड़ा फ्रंट की हुंदा वा, फ्रंट फ्रंट ते ही होऊगा, जिहड़ा टॉप है वह बॉटम ते चले जाऊगा, बॉटम कित्थे आ जाऊगा, टॉप ते आ जाऊगा। ठीक है जी, ते जिहड़ी राइट हैंड साइड व्यू आ उधर लैफ्ट हो जाऊगा, ते लैफ्ट ते राइट हो जाऊगा। बट इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फ्रंट की है, फ्रंट फ्रंट ते ही होऊगा, टॉप टॉप ते ही रहूगा, बॉटम बॉटम ते ही रहूगा, तो जड़े लैफ्ट और लैफ्ट राइट व्यू राइट से लैफ्ट लैफ्ट ते ही रहूगा। ठीक है, फस्ट जड़ी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ते फस्ट एंगल प्रोजेक्शंस दा मेन डिफरेंस यही है कि जड़े फस्ट एंगल प्रोजेक्शंस है वह की है ओपोजिट होंदिया ने विद रिस्पैक्ट टू दी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अपने को थर्ड एंगल प्रोजेक्शनस की अपने को प्रोजेक्शन आ गई, तो आप उस प्रोजेक्शनस के नाल ड्रॉ करता, तो यदियाँ प्रोजेक्शनस लिया, प्रोजेक्शनस लिया तो आप उस एक शीट पर इस तरह ड्रॉ कर देना। ठीक है जी, दिस इज़ द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एंड वट इज़ द रियल लाइफ मोटाइस एंड टेनन जॉइंट इन रियल लाइफ। This is the real example of the mortise and tenon joint. ठीक है, this is the tenon and we have to cut a mortise here and insert this tenon into this cavity. Open mortise, this is the open mortise and tenon joint. ठीक है, the tenon is appeared here. So we have to assembled this. This is the tenon joint and this is also the tenon joint and mortise is cut. Mortise nu apan ede vichon is tarah khali kita hunda hai. Theek hai, ede vich apan bilkul fix kar dene hain, ta asi apne ko a u shaped cavity banayi, ta a tenon apan ede vich fix karta. This is mortise. हुण आपां डिटेल व्यू कले कले पार्ट्स की बना रहे हैं, कले मोटाइज की, जिवें हुण आपां इत्थों देखिया तां इहदी प्रोजेक्शन इधर चले गई। ठीक है, तां आपने कोल वर्टिकल व्यू वर्टिकल प्रोजेक्शन की, तां आपने कोल जिहड़ा वर्टिकल प्लेन ते इहदा फ्रंट व्यू आ गया, उपरों देखांगे तां इहदा नीचे की आ जाऊगा टॉप व्यू आ जाऊगा, इत्थे टॉप व्यू आ जाऊगा, इस तरह प्रोजेक्शन आऊगी तो एक इस तरह दी शेप बन जूगी, रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप शेप बन जूगी।
ठीक है, इधरों आप जिमें आप प्रोजेक्शंस की थी तो अपने को इस तरह आह शेप आ गई। ठीक है, आ वुडन ज्वाइंट्स आप जी ग्रेन्स शो किए हुए हैं वुडनस के, तो जी आप कन्वेंशनल रिप्रजेंटेशन ऑफ वुड आप इस तरह देने हैं। ठीक है जी, तो अपने को साइड व्यू कटना है, साइड व्यू प्रोजेक्शन गई उधर न, तो अपने को साइड व्यू की भी प्रोजेक्शन आ गई। ठीक है, नैक्सट फिर आप 90 डिग्री से ओपन कर देंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अपने को जो व्यू है वो इस तरह फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू एंड विच टाइप ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस, दिस इज द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन and this is the first angle projection. After this we have to draw the projections like this, and this is the, these are the projections, and make a line of at angle 45 degree and join these lines together, and we have to make a, this is the we have to draw the mortise joint, mortise part. This is the detailed drawing, this is not the assembled drawing, this is the detailed drawing of the member A. ठीक है, आप joint जड़ा की है assembly drawing नहीं show की थी, ये आप detailed drawing discuss किया। ठीक है, नैक्सट आ गया अपने को ओपन मोटाइज एंड टेनन जॉइंट इन रियल लाइफ, रियल लाइफ के विच दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मोटाइज एंड टेनन जॉइंट, मैं दिस इज द रियल एग्जाम्पल। सो वी हैव कंप्लीटेड दीज टाइप्स ऑफ वुडन जॉइंट्स एंड यू हैव टू ड्रॉ मिनिमम टू और थ्री शीट्स on wooden joints. Okay, we have to draw two or three sheets on the wooden joints. So je kise nu bhi problem hove ta oh mainu whatsapp kar sakde, theek hai, ta je kise students nu problem hundi hai ta oh whatsapp karke apne apni problems nu dur kar sakde, theek hai ji, ta eh sheets nu draw karo te इस वीडियो में दो तीन बार देखो, जे नहीं फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कॉन्टैक्ट कर सकते। ओके, दैन थैंक यू।